हेलो एवरीवन, आज हम लोग अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड से या तो आपको नीट में, केमिस्ट्री में या तो बायो में क्वेश्चन आ ही जाता है। पिछले साल नीट में अमाइनो एसिड से बायो में भी क्वेश्चन आया था और केमिस्ट्री में आया था, वो भी सेम क्वेश्चन आया था। तो मतलब क्या, या तो कभी इसेंशियल पूछता है, नॉन इसेंशियल पूछ लेता है, न्यूट्रल पूछ लेता है, एसिडिक पूछ लेता है, बेसिक पूछ लेता है, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स पूछ लेता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स पूछ लेता है या एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स पूछ सकता है। तो मतलब अगर आप ये पूरा एक चार्ट अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो अमाइनो एसिड्स का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे वो केमिस्ट्री में आए या बायो में आए। और एक फिक्स क्वेश्चन अमाइनो एसिड से आता ही है। तो अमाइनो एसिड्स में भी हम सब अमाइनो एसिड्स, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी को नीड होता है, 20 अमाइनो एसिड्स। और ये जो 20 अमाइनो एसिड्स है ना, ये सब अल्फा अमाइनो एसिड्स है। ये अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होता है? अल्फा अमाइनो एसिड का मतलब है कि एक ही कार्बन पर, एक ही जैसे फंक्शनल ग्रुप के जो बाजू वाला कार्बन होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसी अल्फा कार्बन पर दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो। मतलब कि अमाइनो एसिड्स में टोटल दो ग्रुप होते हैं, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप COH, एक होता है अमाइनो ग्रुप NH2। दोनों ही ग्रुप सेम कार्बन पर अगर अटैच्ड हो तो उसे अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। हमारे बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स रहते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक। अब अमाइनो एसिड्स का भी क्लासिफिकेशन दो तरीके का, दो बेस, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। आप कभी भी इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब ये मत समझना कि नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब वो जिसको हमारे जो हमारे बॉडी के नीड के लिए नहीं है, मतलब हमारे बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसेंशियल भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है एंड नॉन इसेंशियल भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसका अलग डेफिनेशन है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, अपने को बाहर से लेना पड़ता है, खाने के थ्रू लेना पड़ता है। और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी ऑलरेडी सिंथेसाइज करती है, मतलब कि हमें किसी डाइट से नहीं लेना है, इसीलिए नॉन इसेंशियल है। हालांकि नीड इन दोनों की है। नॉन इसेंशियल जो होता है वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, और जो इसेंशियल होता है वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, उसको अपने को बाहर से लेना पड़ता है, समझा। तो अब हम लोग इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल टोटल 10 इसेंशियल है और 10 नॉन इसेंशियल है। आपको इन 10ों, या तो आप 10 इसेंशियल का नाम याद रख लो या 10 नॉन इसेंशियल का, लेकिन आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा। कोई भी एक 10 याद रख लो, क्यों? क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके लिए निमोनिक्स भी मत बनाओ, क्योंकि कुछ कुछ, जैसे मान लो टी से आपने कोई निमोनिक्स बनाया तो एक टी इधर भी तो है, तो आपको इसको रटना है, किसी एक को रट लो, चाहे इसेंशियल को रट लो या नॉन इसेंशियल को रट लो। इसेंशियल में तो थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ कैसे आपको पढ़ना है। जैसे इसेंशियल में वेलिन, फिर ल्यूसीन, आइसोलेसिन एक साथ याद रखो, ल्यूसीन आइसोलेसिन इसेंशियल होता है, वेलिन होता है, एर्गिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, याद रखना फिनाइल एलेनिन इसेंशियल है और एलेनिन नॉन इसेंशियल है, ट्रिप्टोफेन एंड हिस्टिडिन, ये सारे हो गए इसेंशियल। नॉन इसेंशियल में ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, स्पार्जिन, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन एंड प्रोलिन, तो इसेंशियल हो गया, ये नॉन इसेंशियल हो गया। अब अमाइनो एसिड्स के अलग अलग और भी क्लासिफिकेशंस होते हैं जो हम लोग देखेंगे, जैसे कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड होंगे? जिसमें देखो, अमाइनो एसिड है तो जाहिर सी बात है कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप दोनों होगा, लेकिन अगर कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों इक्वल अमाउंट में हो तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड में आपको याद रखना है ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वेलिन, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वेलिन। फिर हम लोग बात करते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड की। एसिडिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू अमाइनो ग्रुप, तो उसको हम एसिडिक अमाइनो एसिड बोलेंगे। कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक ही तो होता है और अमाइनो ग्रुप कैसा होता है? बेसिक होता है। तो अगर कार्बोक्सिल ग्रुप किसी अमाइनो एसिड में ज़्यादा होगा अमाइनो ग्रुप के कंपेयर में, तो मतलब वो एसिडिक अमाइनो एसिड होगा। उसके दो एग्जाम्पल है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, उसको अपन ग्लूटामेट और एस्पार्टेट भी बोलते हैं। एस्पार्जिन ग्लूटामिन अलग है, उसमें कन्फ्यूज मत होना। ग्लूटामिक एसिड को हम ग्लूटामेट भी बोलते हैं और एस्पार्टिक एसिड को हम एस्पार्टेट भी बोलते हैं। अब आप एक तरीका याद रखो, जितने भी एसिडिक अमाइनो एसिड होते ना, याद रखना वो नॉन इसेंशियल होते। देखो ध्यान से, ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक, मतलब दो नॉन इसेंशियल अपने को इसी तरह याद हो गया। तो याद रखना है जितने भी एसिडिक अमाइनो एसिड होते वो नॉन इसेंशियल होते। फिर हम देखते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होगा?
अमाइनो ग्रुप जो होता है ना वो ज़्यादा होना चाहिए कार्बोक्सिल ग्रुप से। ठीक, बेसिक अमाइनो एसिड में टोटल तीन एग्जांपल, हिस्टिडीन, अर्गिनिन एंड लाइसिन। तो एक आइडिया भी आपको आना चाहिए, जितने भी एसिडिक अमाइनो एसिड होते वो नॉन एसेंशियल होते और जितने भी बेसिक अमाइनो एसिड होते वो एसेंशियल होते। तो मतलब आपको एसेंशियल ऐड करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे, जितने भी बेसिक है वो एसेंशियल है। तो बेसिक कौन कौन से, हिस्टिडीन, एर्गिनिन एंड लाइसिन और ल्यूसीन आइसोल्यूसिन आपको ऐसे याद हो गया, मतलब पांच देखो कितने अच्छे से याद हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, और जितने भी एसिडिक है वो नॉन एसेंशियल। अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसका एग्जाम्पल है सीरीन एंड थ्रियोनिन, सीरीन एंड थ्रियोनिन। फिर आता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में भी आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। फिर उसके बाद आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो और उनमें रेजोनेंस होता है वो प्लेन में, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन। तो मतलब अमाइनो एसिड से इसी इन्हीं पे आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसेंशियल पूछ सकता है, नॉन इसेंशियल पूछ सकता है, न्यूट्रल पूछ सकता है, एसिडिक, बेसिक, अल्कोहलिक, सल्फर कंटेनिंग, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो मतलब अगर आपको अमाइनो एसिड करके जाना है ना तो सिर्फ एक चार्ट पढ़ के चले जाओ, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी कुछ बातें सुनो, अब कभी कभी आपको लगता है कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर याद रखना ज़रूरी है क्या, तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि स्ट्रक्चर किसी को याद नहीं था, बट स्ट्रक्चर पहचान सकते हो आप। मान लो अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया और आपको पता है, आपको पूछेगा कि सिस्टीन का स्ट्रक्चर पहचानो, ऑप्शन में चार स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो आपको याद होना चाहिए कि सिस्टीन में सल्फर होता है। और विश्वास रखो चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन उसे होगा जिसमें चारों अमाइनो एसिड में एक अमाइनो एसिड में कहीं ना कहीं सल्फर कंटेन होगा। तो अगर आपको ये आइडिया है कि सिस्टीन में सल्फर होता है तो आप एक स्ट्रक्चर टिक कर दोगे जिसमें सल्फर रहेगा। तो आपको स्ट्रक्चर को रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते स्ट्रक्चर, बट आप स्ट्रक्चर का आइडिया लगा सकते। हो सकता है कभी कभी आपको अल्कोहलिक अमाइनो एसिड पूछे, तो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड में आपको एक याद रखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। मान लीजिए थ्रियोनिन पूछ लिया और आपको स्ट्रक्चर नहीं आता थ्रियोनिन का, तो आप थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर जान सकते हो। अगर आपको ये अंदाज़ा लगा कि थ्रियोनिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो आप थ्रियोनिन को ऑप्शन में मार सकते। फिर उसी तरह आप एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में मान लीजिए ट्रिप्टोफेन पूछ दिया, आपको चार ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है, तो मतलब आप वो टिक कर सकते हो। तो मतलब आपको स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि किसमें क्या है, उससे आप ऑटोमेटिक ऑप्शन टिक कर सकते। थैंक यू।